आज सुबह भागीरथी नदी में स्नान करते समय एक श्रद्धालु तेज बहाव में बह गया। जिला आपदा परिचालन केंद्र उत्तरकाशी से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज चौकी गंगोत्री में एक श्रद्धालु जिसका नाम बालकृष्ण पुत्र भगवान सिंह उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम संतरी गिर्द थाना महाराजपुर जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश भागीरथी में स्नान करते हुए अचानक तेज बहाव में बह गया, जिसे काफी खोजा गया लेकिन बरामद नहीं हुआ। उसके परिजन भाई राम हेतपाल व बहन लौंगसरी तथा अन्य गांव के लोग साथ में थे। घटना के समय बहन मौके पर ही उसके साथ खड़ी थी। परिजनों द्वारा बताया गया कि वह थोड़ा मानसिक रूप से अस्वस्थ था और स्नान के बाद कपड़ों सहित आगे चला गया, जिसके चलते वह तेज बहाव में बह गया। परिजनों द्वारा बताया गया कि उसके साथ किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या दुर्व्यवहार नहीं हुआ और वह यमुनोत्री से भी दर्शन करके आया था। इसमें परिजनों को किसी पर कोई संदेह नहीं है और किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही से इनकार कर रहे हैं। पुलिस व SDRF द्वारा सर्च अभियान जारी है। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि श्रद्धालु जो मध्य प्रदेश आया था गंगोत्री में सुबह लगभग 7 बजे उसका गंगा में बह गया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, गंगा के दोनों घाट में जब तक जो है घाट का निर्माण नहीं होता है तब तक जो है सिलसिला चलता रहेगा। पिछले वर्ष घाट का निर्माण किया गया, उसमें नीचे के साइड में जो पूरा एक सीढ़ी नहीं बनाई गई, इस कारण से यात्रियों को बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा गंगा के दाहिनी तरफ भी गंगा के बाईं तरफ भी घाट का पक्का निर्माण होना चाहिए, ताकि यात्री कुछ लोग इधर स्नान करें और कुछ लोग पल्ली पार स्नान करें। यही मेरी सरकार से निवेदन है। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि श्रद्धालु जो मध्य प्रदेश से आया था गंगोत्री में सुबह लगभग 7 बजे उसका गंगा में बह गया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, गंगा के दोनों घाट में जब तक जो है घाट का निर्माण नहीं होता है तब तक जो है सिलसिला चलता रहेगा। पिछले वर्ष घाट का निर्माण किया गया, उसमें नीचे के साइड में जो पूरा एक सीढ़ी नहीं बनाई गई, इस कारण से यात्रियों को बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा गंगा के दाहिनी तरफ भी गंगा के बाईं तरफ भी घाट का पक्का निर्माण होना चाहिए, ताकि यात्री कुछ लोग इधर स्नान करें और कुछ लोग पल्ली पार स्नान करें। यही मेरी सरकार से निवेदन है।